सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर गायत्री कुरवेन योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है यज्ञोपैथी क्या है, यज्ञोपैथी द्वारा रोगों का उपचार कैसे किया जाता है। आइए वैदिक मंत्रों के साथ हम विषय का प्रारंभ करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। यज्ञ, पिछले वीडियो में आपने देखा यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वरूप क्या है, यज्ञ के प्रकार क्या हैं, यज्ञ के कारक क्या हैं, किस प्रकार से यज्ञ हम घर पर ही सहज रूप से कर सकते हैं। आज हम यज्ञोपैथी के बारे में चर्चा करेंगे। यज्ञ वस्तुतः वैदिक ऋषियों द्वारा आविष्कृत एक अद्भुत धार्मिक अनुष्ठान है। हमारे वेदों में जो वेदों का सर्वप्रथम मूल है वह यज्ञ है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, गौपद ब्राह्मण, सिद्धांत शिरोमणि और श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ की बहुत ही अधिक महिमा बतलाई गई है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्या अन्न संभवः, अर्थात यज्ञ ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठतम है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं भौतिक ऊर्जा और प्राण ऊर्जा के समन्वय से एक तीसरी शक्ति के आविर्भाव से जो सफलता प्राप्त होती है उसे ही यज्ञाग्नि कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यज्ञ की बहुत अधिक महिमा बताई है और कई वर्षों से यज्ञ का बारे में बताते हुए कहते हैं यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है। गायत्री को सद्विचार और यज्ञ को सत्कर्म माना गया है। वस्तुतः मूल रूप में जब हम यज्ञ को देखें तो यज्ञ जीवन जीने की कला है, द आर्ट ऑफ लाइफ, किस प्रकार से जीवन जिया जाए। हम श्रेष्ठ गुणों का अपने में समावेश करके अपने लिए वसुधैव कुटुंबम की भावना रखते हुए, सभी के कल्याण की भावना करते हुए सभी का हम सहयोग करें, हमारे शरीर से ही यज्ञ का प्रारंभ हो जाता है। हम यज्ञ सांसों की आहुति के माध्यम से यज्ञ प्रारंभ करते हैं। हम जब घर के आसपास के लोगों का सहयोग करते हैं, अपने बड़े गुरुजनों का, माता पिता, उनकी सेवा करते हैं तो यह भी एक यज्ञ है। जब कोई अपने पड़ोस में कोई अस्वस्थ है, हम उनकी सेवा करते हैं तो वह भी वस्तुतः यज्ञ है। अर्थात यज्ञ के कई रूप हैं। तो यह रूप हमें ले जाता कहाँ है, प्रश्न सभी के मन में उठता है। तो यज्ञ भगवान से जुड़ने का ब्रिज है, भगवान से जुड़ने का लिंक है। हम सीधे ईश्वर से जुड़ते हैं। निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तब हम सीधे ईश्वर से जुड़ते चले जाते हैं, हम प्रकृति से जुड़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि यज्ञ धरती का लघु सूर्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही, कि यज्ञ धरती का लघु सूर्य है। तो इस धरती पर दो हैं, यज्ञ और मनुष्य, दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, दोनों एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, तभी वह दोनों स्वस्थ रहते हैं। कहा गया है हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। यदि हमारे भीतर पंच तत्व संतुलित हैं, सृष्टि में भी पंच तत्व हैं, जब दोनों संतुलित अवस्था में होते हैं तो स्वास्थ्य होता है। लेकिन यदि प्रकृति का एक भी तत्व असंतुलित हो जाए तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, रोग का घर बन जाता है। तो इसीलिए यज्ञ की महिमा बताई गई है। यज्ञ को चिकित्सा के रूप में भी लिया गया है। कहा गया है कि यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो भी हम रोगी होते चले जाते हैं, लेकिन यदि हम श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठता को वर्ण करें, अच्छा सोचें, अच्छा चिंतन करें, लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करें, अच्छी श्रेष्ठ भावना रखें, तो हम स्वस्थ होते चले जाते हैं, सारे विकार दूर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य एवं प्रकृति दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम नित्य प्रति यज्ञ करते हैं तो दोनों के संताप मिटते हैं। यज्ञ
पर्यावरण का प्रकाशक सूत्र है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यज्ञ का दर्शन, यज्ञ वस्तुतः यज, संस्कृत के यज धातु से बना है, जिसके तीन अर्थ हैं, देव पूजन, दान और संगतीकरण। देव पूजन अर्थात देवताओं का पूजन, देवता अर्थात श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गुण, हमारे भीतर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो, हम अपना आत्मनिरीक्षण नित्य प्रति करें, प्रातः उठकर आत्मबोध की साधना करें, सोचें कि आज हमने नया जन्म मिला है, रात्रि जब सोएं तो तत्वबोध की साधना करें, अर्थात आत्मनिरीक्षण करें, क्या कमियां हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करें, यह भी एक तरह का यज्ञ है। अपने श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने का कार्य भी यज्ञ है। जब हमने गुणों को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। दूसरा है दान। जब हम अधिकतर अपने में सिमटने का काम करते हैं तो हमारा शरीर भी सिमटा हुआ हो जाता है, हमारे जो आंतें भी सिमट जाती है, अर्थात कब्ज की समस्याएं भी होती है। कहा जाता है कि जब हम अधिक से अधिक दान करते हैं, किसको, सुपात्र को, तब हम हमें रोगों से भी छुटकारा मिलता है, हम निरोगी होते चले जाते हैं। तीसरा इसका अर्थ बताया संगतीकरण, अर्थात हम संगठित होकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर ऐसा हो जाता है कि मिलजुल कर काम करता है और शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो इसी के आधार पर यज्ञ को एक चिकित्सा के रूप में लिया गया है, जिसमें हम आज यज्ञोपैथी की चर्चा करते हैं। यज्ञोपैथी वस्तुतः यज्ञ द्वारा जो की जाने वाली उपचार प्रक्रिया है वह यज्ञोपैथी कहलाती है। इसमें हम विभिन्न तरह की औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम यज्ञोपैथी का सिद्धांत क्या है, यह किस सिद्धांत में काम करता है, उसको समझ लें। यज्ञोपैथी का सिद्धांत विज्ञान के मूल सिद्धांत ताप, ध्वनि और प्रकाश, ये तीन मुख्य होते हैं, इन्हीं पर आधारित होता है। ताप, जब हम यज्ञ के पास बैठते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। दूसरा है ध्वनि, अर्थात मंत्रों का उच्चारण, मंत्र जब हम उच्चारित करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह ध्वनि वायुमंडल में जाती है और लौटकर वापस हमारे पास आती है, हमें निरोगी बनाती है। तीसरा है प्रकाश, प्रकाश अर्थात जो यज्ञ में हम जो आहुति डालते हैं और जो चिंगारियाँ निकलती है, प्रकाश निकलता है, वह संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता चला जाता है। वस्तुतः यज्ञोपैथी का सिद्धांत इन तीनों ही पर कार्य करता है और ये तीनों ही शक्ति की मूलभूत इकाई माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि शब्द की अपेक्षा ताप और प्रकाश की गति तीव्र है। फिजिक्स में हम यह देखते हैं कि ताप और प्रकाश की गति बहुत तीव्र है शब्द की अपेक्षा। जब हम मंत्र युक्त, मंत्रों के साथ औषधि का प्रयुक्त करते हैं तो मंत्र युक्त औषधि को व्यापक बनाने के लिए मंत्र के साथ ताप और प्रकाश को यज्ञ में समाविष्ट किया जाता है। जब इन तीनों का संयोग होता है तभी वह यज्ञोपैथी पूर्ण रूप से कार्य करती है। अब जब हम यज्ञोपैथी का प्रयोग कर रहे हैं या किसी रोगी का उपचार कर रहे हैं तो हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमें ध्यान क्या रखना चाहिए, ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो आइए हम एक एक करके उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें। सर्वप्रथम रोगानुसार, जैसा भी रोग है या रोगी हमारे पास आया है तो उसकी औषधि या जो हवन सामग्री है उसका चयन कर लेना चाहिए। जो यज्ञोपैथी के चिकित्सक हैं वह सबसे पहले औषधि का चयन कर लेते हैं। दूसरा, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो रोग और रोगी की प्रकृति के अनुसार ही समिधा का भी चयन किया जाता है। यज्ञ में जो प्रयुक्त होने वाली समिधाएं हैं वह मुख्य रूप से आम की हो सकती है, पीपल, बरगद, चंदन, अशोक इत्यादि समिधाओं का उपयोग
रोगी की प्रकृति के अनुसार या रोग की प्रकृति के अनुसार ही लिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है रोगानुसार मुख्य हवन सामग्री या सामान्य हवन सामग्री का निश्चय कर लिया जाता है कि हमें सामान्य हवन सामग्री में कितनी रोगानुसार हवन सामग्री को मिलाना है, किस अनुपात में उसका मिलान करना है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है विशेष हवन सामग्री का चयन यज्ञ के लिए किया जाता है। उसका उपयोग जब हम यज्ञ के लिए भी करते हैं और यदि रोगी को खिलाना हो तो उसको हम पीस कर उसका चूर्ण बना लेते हैं और रोगी के रोग के अनुसार आधा चम्मच सुबह शाम उसे देते हैं। वह चिकित्सक के परामर्शानुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है हवन सामग्री के साथ गोघृत का प्रयोग करने से बहुत अधिक लाभ होता है। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, रोगी पूरी तरह से अपने आप में स्वस्थता अनुभव करता है। छठा महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखना है रोगानुसार मंत्र का चयन, किस रोग के लिए किस मंत्र का चयन करें। मुख्यतः दो तरह के रोग बताए गए हैं, शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। तो जो शारीरिक रोग है उनमें सूर्य गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है और जो मानसिक रोग है उनमें चंद्र गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से मानसिक रोग के संताप दूर होते हैं। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान रखने योग्य हवन सामग्री को जलती हुई अग्नि के मध्य में डालना है तथा प्रत्येक आहुति के पश्चात लंबी गहरी श्वास लेनी है। यज्ञ के पश्चात यज्ञ स्थल पर रोगी को प्राणायाम करने का निर्देश दिया जाता है। जो आठवां महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें क्या करना है आपको, यज्ञ प्रातः काल और सायंकाल दो प्रहर इसका सबसे महत्वपूर्ण समय दिया गया है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। पूर्ण मनोयोग से स्वच्छ सूती वस्त्र धारण कर यज्ञ संपन्न करना चाहिए। इनके जो प्रमुख मंत्र हैं सूर्य गायत्री मंत्र, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। चंद्र गायत्री मंत्र मानसिक रोगों के लिए, शिरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। और साधारण रूप से गायत्री महामंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्रों का चुनाव किया जाता है। अब यज्ञ द्वारा जो रोग निवारण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार संपन्न होती है, इसमें ये जो है यज्ञ यह काम कैसे करता है। रोगी को जब हम यज्ञ पैथी देते हैं तो किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे रोगी यदि बैठने की स्थिति में है तो उसे यज्ञ कुंड के पास बिठा दीजिए और जो चिकित्सक है वह पास में बैठ जाए। रोग और रोगी के प्रकृति के अनुसार समिधा और हवन सामग्री और मंत्र का चुनाव कर लिया जाता है। यदि रोगी बैठने की स्थिति में नहीं है तो वहीं पास में चारपाई पर उसे लिटा दिया जाता है। उसे निर्देश दें कि लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करते रहें जब तक यज्ञ चलता रहे। यज्ञ के उपरांत भी उसके जो धुआं है वह उसकी श्वासों में जाता रहे, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करता रहे। लेकिन यह काम कैसे करता है आइए हम इसको भी समझें। जब हम यज्ञाग्नि में घृत, अन्न, औषधियाँ, समिधाएँ इन सब की आहुतियाँ देते हैं तब उनकी जो रोग निवारक गंध है वो क्या होती है, वायुमंडल में फैल जाती है। जब वायु को जैसे रोगी लेटा हुआ है तो वह लंबी गहरी जब श्वास लेता है तो श्वास के द्वारा वह उसके फेफड़ों में जाती है। वहाँ उस वायु का रक्त से सीधा संपर्क होता है। वह वायु फिर क्या करती है, अपने में विद्यमान जो रोग निवारक परमाणुओं को क्या करती है, रक्त में पहुँचा देती है। उससे रक्त में जो रोग कृमि या कीटाणु होते हैं वे मर जाते हैं तथा रक्त के अनेक दोष वायु के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अर्थात प्राणायाम की जब क्रिया करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो वह विकार श्वास छोड़ने के साथ शरीर से
बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार सुसंस्कारित वायु में बार बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लेने से शने शने रोगी स्वस्थ होता चला जाता है। इस प्रकार यह यज्ञोपैथी कार्य करती है। अब यज्ञोपैथी और रोगोपचार में किन रोगों में क्या क्या औषधियाँ लेनी चाहिए, इनकी हम छोटी सी चर्चा कर लें यहाँ पर। जैसे रक्त विकार है, रक्त विकार हमारी बड़ी आँत से संपर्क रखते हैं। बड़ी आँत में जब मल अत्यधिक जमा हो जाता है, कब्ज की समस्याएं हो जाती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो हमारा रक्त दूषित होता चला जाता है। जब रक्त दूषित होता है तो वह शरीर में उभार के रूप में निकलता है, जिसे हम फोड़े फुंसी कहते हैं। जब यह स्थिति आ जाती है रोगी की, तब इसके लिए कम से कम यज्ञोपैथी में 16 औषधियों का प्रयोग बताया गया है, जैसे धमासा, सारीवा, कुटज, अड़ूसा, शरपुंखा, खदीर, शीतल चीनी, चौप, मेहंदी, चमेली, हरड़। इस प्रकार से यह 19 चीज़ें हैं, 19 को मिलाकर क्या करना है, इसको पीस लेना है अच्छे से, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। किसके साथ देना, अनुपान क्या होगा, जल के साथ रोगी को खिला देना है। साथ ही सावधानी क्या बरतनी है, खटाई और तली हुई चीज़ नहीं खाए। इस सामग्री में विधि पूर्वक किसका मंत्र का जप करना है, सूर्य गायत्री मंत्र से हवन करना है। जब रोग और रोगी की प्रकृति के अनुसार हवन सामग्री, मंत्र और चूर्ण का प्रयोग कर लिया जाता है, अब आप 15 दिन 1 माह लंबे समय तक इसका प्रयोग करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। दूसरा है खांसी के लिए। खांसी बच्चों को अधिकतर समस्या बनी रहती है, वर्षा ऋतु में भी खांसी की समस्या बनी रहती है। खांसी वस्तुतः लंग्स, हमारा जो लंग्स है उससे हमारी खांसी प्रभावित होती है। तो सर्दी जुकाम या ज्वर हो जाए तो उसके लिए 8 प्रकार की चीज़ों को शामिल करना चाहिए। कौन कौन सी, मुलहटी, पानजड़, हल्दी, अनार, कंटकारी, बहेड़ा, उनभाव और अंजीर की छाल। इस प्रकार से 8 चीज़ों को मिला लें, पीस लें, और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। किसके साथ लेना है, इसका अनुपान क्या होगा, शहद, शहद के साथ उसे खिलाएं। बच्चों को शहद के साथ इसे खिलाएं तो शीघ्रता से इसे खा भी लेंगे। परहेज क्या करना है, खटाई और तली हुई चीज़ें जब तक आप औषधि का प्रयोग कर रहे हैं तब तक उसे बिल्कुल न दें। अब इसमें सूर्य गायत्री मंत्र का यज्ञ आपको करना है, साथ ही प्राणायाम भी चलता रहेगा, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ उस दिव्य हवन सामग्री को अंदर अंदर ग्रहण करते चले जाएं। तीसरा है महत्वपूर्ण चर्म रोग। चर्म रोग अधिकांश देखे जाते हैं, दाद, खुजली, एलर्जी। आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर भी गए हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है, या फिर खांसी चलने लगती है, खुजली होती है। इस स्थिति में क्या करें, तो इस स्थिति में 9 प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी है, चौप चीनी, नीम के फूल, चमेली के पत्ते, दारू हल्दी, कपूर, मेथी के बीज, पद्माक, मेहंदी पत्र, चकोड़ा के बीज। इस प्रकार से यह 9 चीज़ों को बतलाया गया है, इनको पीस लें 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। अनुपान क्या रहेगा, जल, जल के साथ इसे प्रयोग करें। हमें सावधानी क्या बरतनी है, खटाई न लें और तली हुई चीज़ों का प्रयोग न करें। इस सामग्री से विधि पूर्वक सूर्य गायत्री मंत्र के साथ प्रातः और साय 2 समय नित्य प्रति यज्ञ करना है, और रोगी को लंबी गहरी श्वास प्राणायाम के माध्यम से लेनी है, ताकि जो हवन सामग्री का लाभ अधिक से अधिक मिल सके। अगला है दस्त। दस्त की विशेष हवन सामग्री, दस्त बच्चों को अधिकतर लगी रहती है और बूढ़ों को भी रहती है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी औषधियाँ इसमें प्रयोग की गई है। डायरिया है या आँव है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें भी इसकी समस्याएं हो सकती है। इसके लिए हम क्या लें, 8 चीज़ों का प्रयोग करें। सफ़ेद जीरा, दालचीनी, अजमोद,
बेलगिरी, चित्रक, अतीस, सौठ और चव्य। इस प्रकार से 8 चीज़ों को मिलाकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। कैसे लें, अनुपान क्या रहेगा, दही, मट्ठा या जल, इन तीनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक का प्रयोग करें। परहेज करें खटाई से और तली हुई चीज़ न लें। इसमें भी विधि पूर्वक सुबह और शाम सूर्य गायत्री मंत्र से नित्य प्रति हवन करें। हवन करते समय प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। इस प्रकार से आज हमने यज्ञोपैथी क्या है, यज्ञोपैथी से रोगोपचार कैसे किया जाता है, यज्ञोपैथी का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, योगी को किस प्रकार से लाभ मिलता है और विभिन्न तरह की जो रोग हैं उनमें किन किन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, आज हमने इसकी विस्तार रूप से चर्चा की। आप यदि इसे यह वीडियो आपको बहुत लाभप्रद लगा है या आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो चैनल है योगा और अल्टरनेटिव चिकित्सा, उसको आप देखते रहें, आपको और अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।